हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी टी डी आई की आपका स्वागत है दोस्तों बात करेंगे आज हम लाइफ मैनेजमेंट के विचार और शब्दों पर स्वयं ही चेतना का विकास जी हाँ दोस्तों इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं यम का मतलब है आत्म अनुशासन या संयम इसे योग की नींव माना गया है यह मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और इसमें सिर्फ कर्म के स्तर पर संयम पर जोर नहीं है बल्कि ज़्यादा जोर विचार एवं शब्दों पर नियंत्रण पर दिया गया है विचार और शब्दों पर स्वयं ही चेतना का विकास विचार और शब्दों पर ही पर स्वयं से ही चेतना का विकास संबंध संभव मतलब विचार और आपके विचार और शब्द पर ही आपकी चेतना का विकास निर्भर करता है तो आइए बात करते हैं यम ऐसा कोई भी आत्म अनुशासन यम ऐसा कोई भी आत्म अनुशासन है जो मानव में राजसिक अहंकार और कामना इच्छाओं को जीतकर बिल्कुल बंद कर शांत कर दिया जाता है श्री अरविंदो योग, 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 अश्ट, योग के नाम से भी जाना जाता है अष्ट यानी आठ और अंग मतलब इससे उसे इस, ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि पतंजलि ने मानसिक परिपूर्णा के योग के ज्ञान को आठ अंगों में बांटा योग सूत्र पतंजलि दो अनुपात दोनों इस आठ अंगों में पहला है यम जिसका शब्द अर्थ है नियंत्रण अथवा संयम पांच नियम पांच यम है यानी ऐसी चीजें जो नहीं करना है ये पांच यम है दोस्तों ये अहिंसा है सत्य या झूठ ना बोलना अस्त्य चोरी ना करना ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की ओर बढ़ना इंद्रियों से मिलने वाले आनंद से लगाव ना रखना और अपरिग्रह यानी के संग्रह ना करना कुछ न करने से मतलब सिर्फ किन्हीं गतिविधियों से नहीं बल्कि इसका संबंध विचार एवं शब्दों से भी है उदाहरण के लिए पहला यम है या अहिंसा यानी किसी तरह की हिंसा में लिप्त ना होना लेकिन इसके तहत इतना काफी नहीं है हम किसी पर कोई प्रहार ना करें अहिंसा का मतलब यह भी है कि नकारात्मक विचारों का ना होना जैसे घृणा अथवा ईर्षा और ऐसे ना शब्द ना कहना जो किसी को आहत करें दुख पहुंचाएं जैसे गाली गलौच अथवा अपशब्द कहना कुछ में तो विचार अथवा शब्द वास्तविक कर्म की तुलना विचार और शब्द अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसी संयम से आध्यात्मिक विकास संभव है उदाहरण के लिए जैसे देहिक संबंधों में बिल्कुल भी लिप्त ना होना अत्यावश्यक होता तो योगा इस धरती पर मानव जाति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से असंगत हो जाता फिर तो ज्यादातर विवाहित व्यक्ति योगाभ्यास के लिए अपने आप हो जाते जहां तक देहिक संबंधों का सवाल है अपने विचारों विचारों अच्छे से आबद्ध नहीं होना किसी के प्रति वासना की भावना ना रखना देह संबंधों के प्रति लिप्तता ना रखना और हमारी प्रसन्नता के लिए इस रिश्ते पर निर्भर नहीं रहना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके लिए कोई व्यक्ति कभी कभी दैहिक रिश्तों में नहीं में रह ही नहीं बाइबल में कहा गया है हर वह व्यक्ति जो महिला को वासना की निगाह से देखता है वह पहले ही अपने दिल में अनैतिक रिश्तों को अंजाम दे चुका है मैथ्यू ये इसका ये बताया गया है कितने क्या है नंबर पर है फाइव अनुपात दो सात आठ दो भोजन भी इंद्रियों से जुड़ा आनंद हो सकता है लेकिन खाना ब्रह्मचर्य से सुसंगत है बसरते हम भोजन में बुरी तरह पूरी तरह, तरह बुरी तरह लिप्त ना हो हम पर इसका जुनून सवार ना हो हमारी प्रसन्नता ग्रहण करने योग भोजन पर निर्भर हो संक्षेप में यम का विचार शब्द एवं कर्म मनसा बाचा एवं कर्मणा के स्तर पर पालन करना चाहिए यम को आत्म अनुशासन के द्वारा विकसित करना मानसिक शुद्धता का महत्वपूर्ण अंग है यह शुद्ध आत्म सुधार की यात्रा जिसे योग कहते हैं उसमें प्रगति करने के लिए आवश्यक है अष्टांग योग में पतंजलि ने यम को सबसे पहले रखा इसका मतलब ही है कि यह योग की नींव है और योग में प्रवेश के लिए यह न्यूनतम आवश्यक पात्रता है यदि आप देखें तो शेष अंग यानी नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार मन को इंद्रियों से दूर हटाना इसका मतलब ध्यान और समाधि इस सब के विस्तार अथवा गहनतम स्वरूप हैं आसन की बात करें तो आसन की बात करें तो ये यह एक प्रकार का व्यायाम ही है व्यायाम में लगभग हम वही मुद्रा करते हैं करते हैं जो दिन भर की गतिविधियों में करते हैं पर वह व्यायाम नहीं होता व्यायाम को व्यायाम बनाता है मन की केंद्रितता अर्थात यम से नियंत्रित मन ही आसन को भी उसके उद्देश्य में कामयाब बना सकता है प्राणायाम का तो संबंधी एकाग्र होकर किया गया सांस का नियमन है प्रत्यार हार यम का ही विस्तार है और ध्यान एवं समाधि उसके गंततम रूप हैं तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल आया था एक ये विचार और शब्दों पर स्वयं से ही चेतना का विकास होता है तो इसमें आपने देखा होगा हमको क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए मैं आपको फिर से देखिए सत्य अहिंसा सत्य बोलना अस्ते यानी चोरी ना करना ब्रह्मचर्य यानी ये, ये कुछ नियम है तो दोस्तों आपको यदि ये, ये वीडियो अच्छा ल, ये ऑडियो ऑडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को इसी प्रकार के वीडियो और हम करंट अफेयर से संबंधित गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो वीडियो डालते रहते हैं यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद